आज हम बनाएंगे बीट रूट का पराठा, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बच्चों के लिए। स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें एक कटोरी बीट रूट क्रश किया हुआ लगेगा, एक बटाटा लगेगा क्रश किया हुआ, एक कांदा लगेगा बारीक कट किया हुआ, और लहसुन क्रश किया हुआ, और थोड़ी सी हरी मिर्ची कट कर। अब हम डो तैयार करेंगे। इसके लिए हमें आटा लगेगा 2 कटोरी, थोड़ा सा रवा लगेगा, इससे हमारा ये क्रिस्पी बनेगा पराठा। टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे हम, और थोड़ा सा हम तेल डालेंगे, और इसे अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हमने जो कट करके और क्रश करके रखी थी सब्जियां वो डालेंगे। ये लहसुन डाल दिया है मैंने, बटाटा क्रश किया हुआ डाल दिया है मैंने, और बीट रूट मैंने डाल दिया है, और अब कांदा भी डाल देंगे हम, और हरी मिर्ची डालेंगे कट की हुई। और अब इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसमें पानी हमें पहले नहीं मिक्स करना है, हमें ऐसे सूखा ही मिक्स करना है, क्योंकि कांदा में, बटाटा में और बीटरूट में भी काफ़ी पानी होता है। हाँ, तो इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि जो भी पानी है वो आटा ये कर ले। इस तरीके से हमें इसका डो तैयार करना है। जब ये अच्छी तरह हमारा मिक्स हो जाए, इसके बाद हम थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हम डो तैयार करेंगे। इसका डो हमें गीला नहीं तैयार करना है, तो पानी इसलिए हम थोड़ा थोड़ा डाल के करेंगे। ये आटा तैयार होने के बाद हम इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। अब इस आटे की हम छोटी छोटी लोई बनाकर गोल गोल रोटी की तरह बेलेंगे। बच्चे को अगर चाहिए तो हम छोटा ही बेलेंगे, और बड़ों को करना है तो बड़ा बेलेंगे। इसे हम बराबर से गोल शेप में बना लेंगे। इसके बाद हम ये पैन गर्म होने पर ये पराठा डाल देंगे, और उसे हम बारीक आंच पर ही सेकेंगे। अब इसे हम बटर या घी या तेल, जो भी हम खाते हैं उसमें इसे हम सेकेंगे। दोनों बाजू से हमें ये बटर या घी लगाना होगा। इसे हम उलट पलट करके अच्छी तरह सेक लेंगे। और इसे पलटा से हम थोड़ा सा दबाएंगे ताकि ये थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाएगा पराठा। ये देखिए, पराठा हमारा करीब करीब तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं इसका कलर भी काफ़ी अच्छा आ गया है। अब इसे हम दही के साथ बच्चों को खिला सकते हैं। ये देख, मेरे बेटे को अब ये खिला के देखते हैं क्या बोलता है मेरा बेटा। दही से ये बहुत मस्त लग रहा है मम्मा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिए। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के।